हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। जिस तरह से आप किसी चार्ज बॉडी के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हो, उसी तरह से आप किसी चार्ज ऑब्जेक्ट के चारों तरफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी डिफाइन कर सकते हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इट इज़ डिफाइंड एज defined as potential energy per unit positive charge। इसका मतलब यह है कि अगर किसी चार्ज बॉडी के किसी चार्ज बॉडी के नियर किसी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, जैसे इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले आइए। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब कि आप 1 कूलम्ब चार्ज को यहाँ पर ले आइए। इसका जो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर होगा, इस पॉइंट पी पर, इस 1 कूलम्ब चार्ज का, वही होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। नॉर्मली हम इतने बड़े चार्ज को नहीं लाते हैं, 1 कूलम्ब चार्ज इज बिग चार्ज, तो हम क्या करते हैं, एक स्मॉल टेस्ट चार्ज को लाते हैं। तो यहाँ पर आप एक स्मॉल टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को ले आइए। क्यू नॉट हियर इज द स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इस क्यू नॉट का यहाँ पर अगर पोटेंशियल एनर्जी है, अगर इसका पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर है U, तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिनोटेड बाय V इक्वल्स टू U by Q naught। तो आइए अब हम एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, मान लीजिए कि आपके पास एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, अब आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है यहां पर पी, इस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो इस पॉइंट पर आप क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज को ले आएंगे क्यू नॉट को। Q नॉट की यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी U इक्वल्स टू कैपिटल Q Q नॉट अपॉन 4πε0 R। वी हैव ऑलरेडी सीन कि दो पार्टिकल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है Q1 Q2 बाय 4πε0 R। Q1 के जगह रख दीजिए कैपिटल Q और Q2 के जगह रख दीजिए Q नॉट। तो आप निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट विल बी V इक्वल्स टू U अपॉन Q नॉट, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टेस्ट चार्ज। दिस विल बी Q बाय 4πε0 R। ये एक सिंगल चार्ज के कारण R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है की वैल्यू है। अब हम एक सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण किसी पॉइंट पर, किसी नियर बाय पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किस तरह से निकालते हैं, इसके बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक
ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। मान लीजिए कि आपके पास कुछ चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3। किसी पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो अगर Q1 के कारण यहाँ पर पोटेंशियल इस पॉइंट P पर है V1, V1 इज द पोटेंशियल ड्यू टू Q1, और Q2 के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल है V2, और Q3 के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल है V3। तो यहां पर नेट पोटेंशियल विल बी सिंपली टोटल पोटेंशियल, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट विल बी सिंपली V1 प्लस V2 प्लस V3। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आप स्केलर क्वांटिटी को स्केलर एडिशन के रूल से सिंपली आप ऐड कर सकते हो। आइए अब इस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए कि एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के कॉर्नर्स पे चार्जेस रखे हुए हैं प्लस क्यू, माइनस क्यू, प्लस टू क्यू, माइनस टू क्यू। आपको बताना है इस स्क्वायर के सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वो बताना है, नेट पोटेंशियल। सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा इस प्लस क्यू के कारण भी होगा, माइनस क्यू के कारण भी होगा, प्लस टू क्यू के कारण भी होगा और माइनस टू क्यू के कारण भी होगा। तो मान लीजिए कि सेंटर से कॉर्नर का डिस्टेंस है r, किसी भी कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस है r, तो फिर प्लस क्यू के कारण जो पोटेंशियल होगा, नेट पोटेंशियल विल बी प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल प्लस क्यू अपॉन 4πε0 r, माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल माइनस क्यू अपॉन 4πε0 r, प्लस टू क्यू के कारण पोटेंशियल प्लस टू क्यू अपॉन 4πε0 r, माइनस टू क्यू के कारण पोटेंशियल माइनस टू क्यू अपॉन 4πε0 r, विच इज इक्वल टू 0। एक और क्वेश्चन करते हैं। एक चार्ज रिंग के कारण उसके सेंटर पे पोटेंशियल निकालते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक रिंग है, इस रिंग के ऊपर चार्ज मान लीजिए कि क्यू है। आपको निकालना है इसके सेंटर पे पोटेंशियल। देखिए इस चार्ज को स्मॉल स्मॉल डी क्यू में डिवाइड कर लीजिए। तो लेट्स से कि दिस इज डी क्यू चार्ज, इसको आप एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो डी क्यू के कारण सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा dv इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन 4πε0 r। टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए इसको आपको इंटीग्रेट करना होगा। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो फिर 1/4πε0 r बाहर आ जाएगा डी क्यू। कैपिटल आर इज कॉन्स्टेंट हियर, इक्वल्स टू क्यू / 4πε0 r।